सो हे गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का आज की एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली गाइस आज की वीडियो होने वाली है एक डिवाइस के ऊपर जो कि 10,000 रुपीज़ के अंदर आपको गाइस स्नैपड्रैगन 855 वाला चिपसेट प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल गाइस ये वीडियो होने वाला है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं बंदे जिनको एक अच्छा फ़ोन चाहिए जो अच्छे खासी परफॉर्मेंस निकाल के दे दे, ओवरऑल एक ऑल राउंडर डिवाइस विद अच्छे परफॉर्मेंस। ठीक है, आप उसमें गेमिंग कर पाओ, उसमें आप मूवीज़ वगैरह देखना चाहते हो वो भी कर पाओ, अच्छा कैमरा हो। बट गाइज यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम आपको मे भी दे सकते हैं, बट ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम निकल के आती है इसके अंदर, जो उसको आजकल लोगों ने हुआ टाइप बना रखा है, जिसे कहते हैं ना हुआ, वो बना रखा है लाइक 4G एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। एंड जो सेकेंडरी प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा पुराना डिवाइस है। बट गाइज देखो, अगर आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, स्नैपड्रैगन 855 बहुत पावरफुल है, ठीक है, उसको आप मना नहीं कर सकते। स्नैपड्रैगन 855 इतना पावरफुल है कि अगर आप पबजी जैसे गेम्स खेलते हो, बैकग्राउंड में तो एसफॉल्ट चल रहा है, बट गाइज पबजी जैसे गेम भी आप उस पर 60 FPS कॉन्स्टेंटली खेल पाओगे। तो अब गाइस बात आती है ये डिवाइस है कौन सा। तो बेसिकली गाइस थंबनेल एंड टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ये डिवाइस होने वाला है अपना Redmi K20 Pro। एंड गाइस ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फ़ोन है। एंड गाइस ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर गाइस मैं बात करूँ, ये फ़ोन लॉन्च हुआ था 2019 के टाइम पे। एंड अगर बात करें गाइस, वो ज़माना ऐसा था वहाँ पे एक से बढ़ के एक इनोवेशन हो रहे थे। अगर आज के डेट में अगर आप किसी एंड्रॉयड को देखोगे तो पता नहीं हो क्या गया है, पुराने पुराने प्रोसेसर भरे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन की प्राइसिंग की, तो 20,000 रुपीज़ उस टाइम भी थी इसकी प्राइसिंग, 22,000 रुपीज़ थी एक्चुअली में इसकी प्राइसिंग। बट गाइज उस टाइम पे ना देखो 855 इसके अंदर प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। बट अगर आज की डेट में अगर आप कोई सा फ़ोन उठा के देख लो, 20,000 में 695 स्नैपड्रैगन मिल रहा है, पता नहीं हो क्या गया है आजकल, मेरे को नहीं पता। 5G के चक्कर में आपको प्रोसेसर से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट अगर मैं बात करूँ, मेरी नज़रों में बहुत गलत सी चीज़ है ये, 5G के चक्कर में आप परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। अगर मैं बात करूँ 5G की स्पीड की, तो गाइस 4G से भी आपका काम चल सकता है, बट अगर आपको परफॉर्मेंस ही नहीं मिलेगी तो आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है, ये मेरा मानना है। एंड आपका क्या रहता है मानना वो मेरे को ज़रूर बताना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में जो कि इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करता हूँ इसके डिस्प्ले के बारे में। तो 6.4 इंचेस की आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, मतलब अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की क्वालिटी आज की डेट में फैबलेस है गाइस, आराम से आप इसको देख सकते हो। कंटेंट वॉचिंग में आपको बहुत मज़ा देने वाला है ये फ़ोन, मतलब यूँ कह सकते हो कि कोई भी कमी नहीं है डिस्प्ले में। 60Hz का रिफ्रेश रेट आता है एंड इतना इनफ है, मे बी मेरे को नहीं लगता कि 90Hz 120Hz होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ गेमिंग की तो आप 60Hz पे ही गेमिंग करोगे अगर मे बी करोगे तो, ठीक है। एंड अब बात करते हैं इसके अंदर के प्रोसेसर्स के बारे में, मैंने बता दिया ऑलरेडी। इसके अंदर गाइज आपको मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 855 वाला चिपसेट जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। एंड अब बात करते हैं गाइज रैम टाइप की, तो इसके अंदर गाइज आपको मिलता है LPDDR4X रैम, UFS 2.21 की स्टोरेज की स्पीड मिलती है। तो ओवरऑल गाइज एवरीथिंग इज़ ओके, अगर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस चाहिए तो ये इनफ है। एंड अगर मैं बात करूँ गाइज बैटरी की, तो 4000 mAh की बैटरी है, 27W का चार्जर है। तो ओवरऑल हर चीज़ का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो एकदम सेट बैठता है अगर प्राइसिंग को कंपेयर करें तो। कैमरे की बात करूँ तो सोनी का सेंसर मिलता है गाइज आपको, 48MP का प्राइमरी कैमरा आता है इसके अंदर। एंड बैक फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो 20MP का एक पॉपअप फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो फ्लैक्सबाजी होती है, जिसको पॉपअप कैमरा पसंद है वो भी इसके अंदर ईजिली मिलता है आपको, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। एंड आज की डेट में भी गाइज वो चीज़ पुरानी नहीं हुई है। एंड गाइज काफ़ी सारे बंदे बोलेंगे कि पुराना फ़ोन है, बट गाइज अगर मैं बात करूँ लुक डिज़ाइन बिल्ड की, तो आज के टाइम पे जो फ़ोन्स आते हैं तो उनसे ज़्यादा प्रीमियम मेरे को ये लगता है, बिकॉज गाइज ग्लास बैक देखने को मिलता है एंड आपको किसी भी टाइप की कंजूसी देखने को नहीं मिलती इस फ़ोन के अंदर। बट आज की डेट में 5G के नाम पे बहुत कंजूसी की जा रही है, प्लास्टिक बॉडी दिया जा रहा है, क्या क्या दिया जा रहा है मेरे को भी नहीं पता चल रहा ढंग से। तो ये सीन है, आज की डेट में भी बहुत ख़तरनाक लुक है इस फ़ोन का। तो अब गाइस बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। स्नैपड्रैगन 855
अब गाइस देखो, नॉर्मली ये MIUI बेस्ड फ़ोन है। परफॉर्मेंस गाइस इसकी डिफ़ॉल्ट, मतलब अगर आप MIUI पे ही यूज़ करोगे तो, अगर मैं BGMI एंड PUBG के ग्राफिक्स की बात करूँ तो ये आपको करीबन 51 FPS से 60 FPS के बीच में रहेगा, मतलब इतना तो रहेगा। बट गाइस यहाँ पे पूरा सीन चेंज हो जाएगा जब आप इसके अंदर कस्टम रोम इंस्टॉल करोगे। तो मतलब ये कह सकते हो कि गाइस अगर आप इसके अंदर कस्टम रोम इंस्टॉल कर दोगे तो ये आपको 58-57 FPS से लेकर 60 FPS के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नीचे ड्रॉप नहीं करेगा। बहुत कम चांसेस होंगे कि आपका ये 55 से भी नीचे जाए, बहुत रेयर चांसेस होंगे। तो यही बात है गाइस कि अगर आप इसके अंदर कस्टम रोम इंस्टॉल करोगे तो ये आपको काफ़ी गॉड लेवल की परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं इसलिए इस फ़ोन को कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर आपका प्राइस 10,000 rupees है तो इसको सेकेंड हैंड परचेज़ करो। फर्स्ट हैंड तो अभी मिलेगा नहीं, मे बी रिफर्बिश्ड मिल जाए आपको, तो अच्छी क्वालिटी में परचेज़ करो। आप देख लो कि अच्छा खासा फ़ोन मिले। बैक ग्लास, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं मेरे को कि बैक ग्लास टूटा हुआ है, खरीदे कि नहीं खरीदे। तो गाइस इस टाइप के फ़ोन्स मत खरीदो, इन सबको अवॉइड करो, इनके साथ मतलब कुछ ना कुछ झोल रहता ही है। तो आप एक अच्छी क्वालिटी में फ़ोन ढूंढो एंड ट्राई करो कि 1-1.5 साल पुराना ही फ़ोन मिले आपको, ज़्यादा पुराना मत खरीदना क्योंकि बैटरी उसकी पूरी ख़त्म हो चुकी है, होगी उस टाइम तक। अगर आप सर्विस सेंटर से बैटरी रिप्लेस करवा देते हो तो वो अपने फुल पावर में वापसी आ जाएगी, ठीक है। तो गाइज अब बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइसिंग को लेके। तो गाइज़ देखो, न्यू फ़ोन 22,000 rupees का था एंड अगर अभी आप इसको किसी ऑफलाइन शॉप वगैरह में चेक करोगे तो स्टार्टिंग तो ये गाइज 7-8 हज़ार से हो जाता है, इस फ़ोन की प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है इतने से। बट गाइज कंडीशन इतनी कुछ खास नहीं होती इन प्राइस रेंज के अंदर। बट अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का डिवाइस चाहिए तो मैक्स टू मैक्स आपको 10,000 या 9,000 आपको पे करना ही पड़ेगा। बट अगर मैं बात करूँ कि स्नैपड्रैगन 855 मिल रहा है 10,000 rupees में, तो गाइज़ ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ही ट्राई करो गाइज, प्राइस रेंज को कंसिडर करते हुए देखो कि आजकल क्या चल रहा है प्राइस। तो आप अगर न्यू फोन्स एंड्रॉयड के अंदर देखने जाओगे ना तो आपको 855 तो गाइज 30,000 या फिर मान के चलो 20,000 से नीचे मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। 22,000-23,000 से स्टार्ट ही होंगे 855, मे बी वो वहाँ पे भी ना मिले, ठीक है। तो यही सीन है कि गाइज आज की डेट में बहुत रेयर ही मिल रहे हैं फ़ोन, जो कि मतलब स्नैपड्रैगन आपको 800 से नीचे ही मिल रहे हैं, 7678 SSC चिपसेट मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइज बहुत अच्छी चॉइस होगी, आप इस प्रोसेसर की तरफ जाओ, इस फ़ोन के साथ आप जा सकते हो, आपके सारे काम हो जाएंगे, एडिटिंग, गेमिंग, एवरीथिंग आप इस फ़ोन के ऊपर कर पाओगे। तो गाइज़ यही थे मेरे कुछ ओपिनियन एंड अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइज़ मैं बोलता नहीं होता, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते तो सब्सक्राइब कर देना गाइज़, ठीक है। ओवरऑल जो गाइज़ बैकग्राउंड में गेम प्ले चल रहा है तो आज मैं कुछ नया ट्राई कर रहा था, ठीक है, बट गेम BGMI का ही रहेगा एंड मेरे जो ओपिनियंस रहेंगे वो BGMI एंड PUBG को लेके ही रहेंगे क्योंकि वो इससे ज़्यादा हाई एंड गेम है, ठीक है। तो खैर गाइज यही थी आज की कुछ वीडियो, मिलते हैं एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।